यार व्यूअर्स नमस्कार। आज की हमारे टॉपिक है बाइब्रेज थ्योरम। बाइब्रेज थ्योरम को हम एक और नाम से जानते हैं, हमारा 1/4 थ्योरम लिखा मिलता है हमें कहीं कहीं प्रूव करना होता है। बाइब्रेज कंजेक्टर थ्योरम जो है हमें बार बार एग्जामों में पूछा जाता है और UPSC के भी एग्जाम में ऑप्शनल पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। हमारा जो पहला स्टेटमेंट पर हम बात करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, लेट एफ बिलोंग टू एप्सिलॉन एंड एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस एंड इक्वल टू 1 टू इन्फिनी टू ए एन जेड एन की एक हमारी पावर सीरीज होगी। इसमें से फर्स्ट हमारा हमें प्रूव करना है ए एन इज लेस आर इक्वल टू होना चाहिए, और सेकेंड हमें प्रूव करना है एफ ऑफ यू इज सुपर सेट ऑफ 0 1/4। एफ ऑफ यू जो होगा कंटेनिंग ऑल ऑफ साइलम विच मॉड ऑफ डब्ल्यू इज लेस आर इक्वल 1/4 हमारा होना चाहिए। लेट एफ बिलोंग टू ओमेगा, देन एग्जिस्ट जी बिलोंग करेगा हमारा ओमेगा एप्सिलॉन से, जी स्क्वायर जेड इक्वल टू एफ जेड स्क्वायर, वेयर जेड जहाँ बिलोंग करेगा यू में हमारा। टेक मानेंगे जी इक्वल टू 1/ जी जेड, देन जी जेड इक्वल टू 1/ जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हमारा अंडर रूट में हम कर देंगे इसको, अंडर रूट में हमारा 1/ जी जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जी जेड स्क्वायर इक्वल टू जी जेड बराबर एफ जेड होता है, एफ जेड स्क्वायर बराबर जी जेड स्क्वायर हमारा होता है, हमें जो दिया हुआ है ऊपर स्टेटमेंट में हमारा जी जेड इक्वल टू 1/ एफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। जी जेड अपान 1/ एफ जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू हमें यहाँ पर दिया हुआ है जेड प्लस 1 टू इन्फिनी टू ए एन जेड एन, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर एफ ऑफ जेड स्क्वायर की जगह पर रखेंगे, वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर जी जेड इक्वल टू 1/ जेड स्क्वायर एन टेन टू 1 टू इन्फिनी टू ए एन जेड पावर 2n, अंडर रूट में हमारा होगा। इसके बाद यहाँ से हम जेड स्क्वायर कामन करेंगे तो हमारा यहाँ पर जेड आएगा 1/ यहाँ पर जेड स्क्वायर कामन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से ए एन जेड पावर 2n है, 2n में से हम 2 कामन लेंगे तो 2n माइनस 2 आएगा यहाँ पे, इसी तरह से डॉट 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 में हमारा आएगा, नहीं इसका फैक्टराइजेशन हमने नहीं किया है। इसके बाद जी जेड इक्वल टू 1/ जेड 1 प्लस, हम इसको ऊपर ले जाकर के लिख सकते हैं नामिनेटर में 1 प्लस 2 टू इन्फिनी टू ए एन जेड पावर 2n माइनस 2 हमारा अंडर रूट में जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। जी जेड इक्वल इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/ जेड कामन किए हैं 1 प्लस 1/2 ए एन जेड एन जेड पावर 2n माइनस 2 माइनस 1/8 ए एन जेड एन पावर 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/48 ए एन टू ए एन जेड एन 2n माइनस 2 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 ब्रैकेट जी जेड इक्वल टू 1/ जेड 1 प्लस 1/2 ए एन जेड एन पावर 2 माइनस 2n माइनस 2 माइनस 1/8 ए एन जेड पावर 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/48 को हम डिवाइड करेंगे 1/16 ए एन जेड पावर 2n माइनस 6 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 जी जेड इक्वल टू हमारा आएगा जी जेड इक्वल टू 1/ जेड 1 प्लस 1/2 ए एन जेड पावर 2n माइनस 2 माइनस 1/8 ए एन जेड पावर 4n माइनस 2, हम इसको जब तोड़ेंगे यहाँ से तो हमारा आएगा 4n माइनस 4 प्लस 1/16 ए एन जेड पावर 6n माइनस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें मिलेगा जी जेड इक्वल टू 1/ जेड प्लस एन टू 1 टू इन्फिनी टू ए एन जेड पावर एन से, जहाँ हमारा जेड बिलोंग करेगा डी में, हमें मिलेगा आगे जेड इक्वल टू माइनस ए टू 2 मॉड इक्वल टू ए 1/2 मॉड इज लेस आर इक्वल 1 इफ एफ बिलोंग करेगा एच ब्रैकेट यू माइनस 0 एफ इज 1 to 1 ऑन यू होगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/ जेड प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनी टू ए एन जेड एन मिलेगा हमें सीरीज, देन मॉड ऑफ ए 1 का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल 1 मॉड ऑफ ए 2 का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल 2, हमें प्रूव करना था इफ ए 1 इज लेस आर इक्वल 2 इज 1 इज प्रूफ, हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमें प्रूव करना था हमारा प्रूफ हो गया। हम सेकंड को प्रूव करेंगे स्टेटमेंट को, लेट w बिलोंग करेगा f ऑफ d में, डिफाइन स्मॉल s ऑफ z इक्वल टू fz अपॉन 1 माइनस fz अपॉन w डैश ए एफ
बिलोंग करेगा एच ऑफ यू, हैव एच बिलोंग टू एच ऑफ यू टू सो दैट एफ इज वन वन होगा। एच जेड इक्वल टू स्मॉल एच जेड वन इक्वल टू एच जेड टू एफ ऑफ जेड वन अपॉन वन माइनस एफ जेड अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड टू अपॉन वन माइनस एफ जेड टू अपॉन डब्ल्यू। हमारा होगा एफ ऑफ जेड वन, कॉमन करेंगे तो वन माइनस एफ ऑफ जेड टू अपॉन डब्ल्यू बचेगा इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू कॉमन करेंगे तो वन माइनस एफ ऑफ जेड वन अपॉन डब्ल्यू बचेगा। ऑल्सो एफ ऑफ एच ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड अपॉन वन माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डब्ल्यू होगा। एच ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड कॉमन करेंगे तो वन माइनस एफ जेड अपॉन डब्ल्यू का इनवर्स होगा। एच ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड ब्रैकेट वन प्लस एफ ऑफ जेड अपॉन ओमेगा प्लस एफ ऑफ जेड अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट में होगा बाई पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। हम यहाँ पर जो है अब वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू होती है हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जेड प्लस ए टू जेड टू प्लस डॉट डॉट उसके बाद हमारा वन प्लस जेड अपॉन ओमेगा प्लस डॉट डॉट। एच ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस ए टू प्लस वन अपॉन ओमेगा जेड जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। हम इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एच डैश जेड इक्वल टू वन प्लस जेड ए टू प्लस वन अपॉन ओमेगा जेड प्लस डॉट 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 आएगा हमारा। एच ऑफ जीरो रखेंगे, एच ऑफ जेड की जगह पर एच जेड इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें मिलेगा जीरो एंड एच डैश ऑफ जीरो रखेंगे, जब इस इक्वेशन में जेड की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो हमें वन प्राप्त होगा। फाइनली अप्लाइंग वन टू वी गेट ए टू अपॉन वन ओमेगा इज लेस आर इक्वल टू टू होगा। मॉड ऑफ वन अपॉन ओमेगा माइनस ए टू इज लेस आर इक्वल वन अपॉन ओमेगा प्लस ए टू इज लेस आर इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा इज लेस आर इक्वल टू प्लस मॉड ऑफ ए टू और मॉड ऑफ ए टू इक्वल टू हमने प्राप्त किया था टू लेस आर इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा लेस आर इक्वल टू प्लस टू यहाँ पुट करेंगे वन अपॉन ओमेगा इक्वल लेस आर इक्वल वन बाई फोर वन अपॉन ओमेगा इक्वल टू वन बाई फोर फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग टू एफ ऑफ डी डब्ल्यू बिलोंग टू एफ ऑफ डी फॉर ऑल ओमेगा ऑल डब्ल्यू इज लेस आर इक्वल वन बाई फोर एफ ऑफ डी इज लेस ग्रेटर आर इक्वल डी जीरो वन बाई फोर। हमारा जो प्रूव करना था बाइब्रिज कंजेक्टर थ्योरम आर वन बाई फोर थियरम हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ बाइब्रिज थियरम फाइनली एंड बाइब्रिज थियरम इज कॉल्ड वन बाई फोर थियरम आर कंजेक्टर थियरम हम इसी को बोलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के पास शेयर